आज हम सीपरी जिले की पोहरी विधानसभा के क्षेत्र में खड़े हुए हैं, जिस प्रांगण में है, ये बड़ा प्रसिद्ध प्रांगण है। यहाँ पंडित गोपाल कृष्ण पौराणिक जो इसके संस्थापक थे, जब गुलामी के समय में जब देश में और इस क्षेत्र में विद्यालय खोलने में प्रतिबंध लगा हुआ था, तब उन्होंने 1921 में इस विद्यालय की बुनियाद रखी और कक्षा 11 तक इस विद्यालय की शुरुआत की। इसमें देश और पूरे कुछ लोग बाहर से भी यहाँ पढ़ने आते थे, जो बड़े राजनीति के क्षेत्र में जिनका बड़ा नाम रहा और नौकरियों के क्षेत्र में भी बड़े उच्च पद पाए। पोहरी सीपरी जिले की एक ऐसी विधानसभा है जिसे सबसे पिछड़ी विधानसभा मानी जाती है। यहाँ लंबे समय तक डकैत प्रभावित भी क्षेत्र रहा है। अब डकैत समस्या तो ख़त्म है, लेकिन विकास की दृष्टि से यह क्षेत्र अभी भी पिछड़ा हुआ है। यहाँ चीते जो कूनोपालपुर अभ्यारण्य में लाए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि चूँकि कूनोपालपुर बिल्कुल यहाँ से निकट है, तो ऐसा माना जा रहा है कि अब इस क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से विकास होगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो हम बात की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जैमनी जी। जैमनी जी, ये जो यहाँ सरकुला बांध की स्थापना हुई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ गैंती पहाड़े चलाए थे, लेकिन जानकारी में आ रहा है कि उसमें बिल्कुल भी काम उसके बाद शुरू नहीं हुआ, क्या कहना है आपका? झूठी घोषणा है भाई साहब। पोहरी विधानसभा क्षेत्र में तो 2018 के बाद, उपचुनाव के बाद, जैसे यहाँ के मंत्री भाजपा में शामिल हुए, सिर्फ झूठी घोषणा है पूरी पोहरी विधानसभा की जनता के साथ इन्होंने, और इन्होंने कोई काम नहीं किया। पूरी जनता परेशान है पोहरी विधानसभा की। यहाँ सर्कुलर डैम हो, भ्रष्टाचार हो, प्रशासनिक के कोई काम हो, सारे काम बिल्कुल एकदम इतने घटिया किस्म के यहाँ पोहरी विधानसभा में करवा रहे हैं, जिससे सारी जनता परेशान चल रही है। आपका क्या कहना है? आप भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं अस्पाक जी। देखिए, 2018 में जनता की चुनी सरकार कमलनाथ जी की सरकार आई, उन 15 महीने में कमलनाथ जी ने वो काम करके दिखाए जो 15 साल की शिवराज सरकार ने नहीं कर पाए। ये गाय की बात करते हैं, गौशालाएं कमलनाथ जी ने बनाई, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी कॉरिडोर का उद्घाटन करने गए, वो भी कमलनाथ जी की देन है। लेकिन ये घोषणाएं क्यों करते हैं? चारों ओर लूट कसूट, चारों ओर दलाली, चारों ओर भ्रष्टाचार, लेकिन जब काम की बात आती है, काम के नाम पे सुनने भाजपा, और आने वाला समय ये जनता बता देगी इनको कि कौन सच है कौन झूठा है। यहाँ जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं वो विकास कार्यों को पूरी तरह नकार रहे हैं, और ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि सरकुला जो बांध है वहाँ उद्घाटन के बाद कोई ज़्यादा काम हो नहीं पाया है। हम भाजपा के मंडल अध्यक्ष जी से पूछते हैं कि क्या स्थिति है उस सरकुला बांध की और यहाँ अन्य नेताओं। सरकुला बांध के सर्वे हो रहा है, सर्वे का काम चल रहा है, उसकी DPR बन चुकी है, उसका भी कुछ दिनों में उसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। और विकास कार्य की बात है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अफ्रीका से चीते लाए गए हैं, तो ये विकास कार्य ही तो है। विकास कार्य अभी जारी है, चल रहा है, अभी विकास कार्य बहुत कुछ हो रहा है भाजपा के। लेकिन चीते जो हैं उनसे नीचे के लोग, जो गरीब तबका है, जो किसान तबका है, उसको क्या लाभ होगा? अरविंद जी, आप पर्यटन के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं, तो आप बताइए कि जिन चीतों से मूलतः क्या, जो नीचे की जनता है, जो गरीब जनता है, जो मध्यम वर्ग है, उसको क्या लाभ होगा? इस चीतों को देखने के लिए तो बहुत पैसे वाले लोग आएंगे, और अब तो नेशनल पार्कों में जाने के लिए वन विभाग ने किराया ही इतना कर दिया है कि आम आदमी बिल्कुल उससे बाहर हो गया है। तो चीतों से क्या बुनियादी लाभ होने जा रहा है? चीता या शेर कोई भी एक जो फॉरेस्ट में एक इकोसिस्टम फॉरेस्ट का जो होता है, इतना बड़ा नेशनल पार्क है, चीता एशिया से विलुप्त हो चुका और इंडिया में 70 साल बाद चीता यहाँ आया है, और यहाँ देसी विदेशी सभी तरह के पर्यटक आएंगे, और पर्यटकों के आने से आम आदमी की छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे होटल, ट्रेवल एजेंसी, गाइड, मैं समझता हूँ नेशनल पार्क में चीता देखने जो भी आएगा, कहीं ना कहीं स्थानीय जनता को, स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिलेगा, स्थानीय दुकानदारों की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि जो दुकानें हैं, सामान जो व्यक्ति खरीदेगा वो लोकल से खरीदेगा, खान पान, रहन सहन, नए होटल खोलेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, या लोग होम स्टे या जो रूरल स्टे, ग्राम स्टे, जो योजनाएं चल रही हैं पर्यटन बोर्ड की, तो इससे काफ़ी सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। चलिए जैमनी जी से बात करते हैं। जैमनी जी, ये अरविंद जी कह रहे हैं कि जो चीते लाए जा रहे हैं उससे पोहरी को भी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष लाभ होगा, रोज़गार मिलेगा, आपका क्या कहना है?
साहब चीते लाना तो ठीक है, लेकिन इतना पैसा इतने तामझाम में लगा दिया कि और जनता की जेब से इतना पैसा जा रहा है। ये चाहते तो पौरी विधानसभा क्षेत्र के आसपास के एरिए में इतनी फैक्ट्रियां लगा सकते थे कि कई लोगों को रोजगार मिल जाता, लेकिन रोजगार देने की जगह छीन रहे हैं। ये पौरी विधानसभा की हालत में बता रहा हूँ, मतलब आप यहाँ से पौरी विधानसभा क्षेत्र से आगे सतनबाड़ा है, सतनबाड़ा में आप जाकर देखिए, वन विभाग की जमीन को हड़प के अपने जो स्थानीय मंत्री हैं उनके ही करीबी लोग वन विभाग की जमीन को वहाँ पे हड़प के उसको जोत रहे हैं वन विभाग की जमीन को, और प्रशासन वहाँ जाता है तो प्रशासन पे लाठियाँ चलाते हैं, उनको पीट कर भगा देते हैं वहाँ से, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही उनके ऊपर। मतलब बहुत बुरा सिस्टम चल रहा है यहाँ पौरी विधानसभा का, ये भाजपा के कार्यकाल में। मध्य प्रदेश का सुना था, लेकिन पौरी विधानसभा का ये आप जरा अंदर जाकर देखिए, बहुत बुरा हाल है यहाँ विधानसभा का। अच्छा, आप बताइए कि जो सतनबाड़ा जिसकी बात कर रहे हैं जैमनी जी, आप भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, सतनबाड़े में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोला है, तो उसका भी कुछ ना कुछ लाभ तो मिल रहा होगा ना लोगों को? देखिए, कौशल प्रशिक्षण का जो केंद्र खोला है उससे जो फायदा मिल रहा है वो देख रहे हैं लोग, लेकिन सिंधिया जी वहाँ से अपनी पुश्तैनी सीट पर से हारे, कुछ तो कारण होगा, जनता ने किसी लिए तो उन्होंने हराया होगा। जब वो अपने क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए, पानी नहीं दे पाए, सड़क नहीं दे पाए, और भी, और रोजगार सबसे बड़ी स्थिति है शिवपुरी की, शिवपुरी क्षेत्र में आज एक भी फैक्ट्री नहीं है। ये काले कारनामे जिन लोगों ने किए थे और जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं, आज मुझे नहीं लगता कि ये झूठी घोषणाओं के अलावा कुछ कह पा रहे। यादव जी, आप स्वयंसेवी संगठन से जुड़े हुए हैं, बड़ा प्रसिद्ध संगठन है विकास संवाद, तो आप जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं खासतौर से आदिवासी क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में शहरी आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में है, तो ये क्या इन बातों को सुन के आपको क्या लगता है, जो चीतों से और अन्य विकास योजनाओं से इनसे कुछ जो आदिवासी तबका है उसको कुछ वाकई में लाभ मिल रहा है? पौरी विधानसभा में सबसे बड़ा जो मूल काम है उसको बिल्कुल कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो बिल्कुल ध्यान में नहीं रख रही है। मूल जो कारण है यहाँ शिक्षा, शहरिया में अगर बच्चों को देखा बिल्कुल एजुकेशन बिल्कुल नहीं मिल रही है। अगर हम बात करें हेल्थ की, हेल्थ और न्यूट्रिशन की जो बात करें वो बिल्कुल नहीं है, उसके ऊपर बिल्कुल कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज देखा जाए तो बच्चों में कुपोषण है, महिलाओं में एनीमिया है, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है और पार्टियों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जो महिला विकास कार्यालय हैं और आंगनबाड़ी केंद्र है, वो तो ये दावा करते हैं कि बाकायदा जो आदिवासियों के बच्चे हैं उनको खिचड़ी दी जा रही है सुबह और अन्य तरह के नाश्ते दिए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका, क्या ये कागजी काम चल रहा है? नहीं, मैं कागजी काम नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा जो गवर्नमेंट है वो दे रहा है, लेकिन उसमें हमें समुदाय के आधार पर वहाँ देखना चाहिए कि क्या जरूरत है, जो उनका मेनू है वो ऊपर जाके तय हो रहा है, जबकि यहाँ जो एक्सेप है वो है वहाँ के लोकल फूड, उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो लोकल सीट्स हैं उनको अपने उसमें लेना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। चलिए आपसे बात करते हैं, आप छात्र हैं तो आप बताइए कि पौड़ी में क्या समस्याएं आप मानते हैं, देखते हैं? मैं तो सिर्फ अपने एक शेर के माध्यम से बताना चाहूँगा आपके लिए कि उधर से फरमान चलते हैं, उधर से फरमान चलते हैं, इधर ईमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बदलो, यहाँ इंसान बिकते हैं। तो इंसान कैसे बिकते हैं, मतलब आप कैसे मानते हैं कि इंसान बेचे जा रहे हैं? सबके सामने हुआ है, कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में गए, जो विकास होना है वो विकास नहीं हो रहा, गेंती फावड़ों से विकास नहीं होता, नारियल फोड़ने से विकास नहीं होता, हकीकत में धरती पर विकास होना चाहिए और दिखना चाहिए हमारे क्षेत्र की जनता के लिए कि हमने कुछ विकास किया है। बहुत बढ़िया। तो आपका कहना है जो सरकुला बांध का जो शिलान्यास किया था उसमें कोई प्रगति नहीं हुई अभी? कोई प्रगति नहीं हुई, दिखावा था, वो छल था, जनता से वोट लेना था, वो वोट के कारण नहर भी बनाई गई, नहर का सर्वे किया गया और मौके पर कहीं कुछ नहीं है। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस पौरी के विकास के बारे में, क्या कमियां देखते हैं आप? हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी विकास की ओर चल रही है और काफ़ी विकास किए हैं पौरी विधानसभा में। पहले हमारे प्रहलाद भारती भी रहे थे, उनने भी 10 साल लगातार विकास किया, और अब हमारे पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश राठकरा जी हैं, वो भी विकास की ओर बिल्कुल काम कर रहे हैं।
लेकिन राठेला जी जो हैं वो पौड़ी क्षेत्र में और शिवपुरी क्षेत्र में घूमते रहते हैं, जबकि पूरे राज्य के मंत्री हैं, तो लेकिन इसके बावजूद भी लोग विकास से संतुष्ट नहीं हैं, ऐसा क्यों है? अभी देखिए क्या है, पूरा मध्य प्रदेश है, धीरे धीरे क्या है काम होता रहता है, अभी चारों तरफ विकास चल रहा है तो धीरे धीरे लगे हैं मतलब मंत्री जी। चलिए आपसे मैं छात्र हैं तो बात करूं शिक्षा की, तो शिक्षा की यहाँ क्या स्थिति है? शिक्षा के लिए यहाँ पर आईटीआई कॉलेज बनवाया है, आईटीआई कॉलेज है अपना, कॉलेज बीएससी कॉलेज पहले यहाँ पर बीए कॉलेज ही था मार्क, अब शिक्षा के क्षेत्र में हमारी पार्टी ने और यहाँ पर बीएससी भी कर दिया है, एमए भी कर दिया है यहाँ पर, और मॉडल स्कूल भी यहाँ पर खुल रहा है, और अब छात्रावास भी यहाँ पर खुलने वाला है कुछ टाइम बाद। तो मतलब कि ये है कि विकास का कार्य लगातार शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ इस स्तर की शिक्षा दी जा रही है कि बच्चे जो प्रतिस्पर्धा परीक्षाएं होती हैं उनको उनमें पास हो जाएं, उनमें चयन हो जाए उनका, ऐसे कुछ बच्चों का नाम बता सकते हैं? जी हाँ, यहाँ से शिक्षा में चयन हुआ है, मेरा एक दोस्त है शुभम दीक्षित, उसका एसएससी सीजीएल में और एसएससी जेडी में दोनों में उसका चयन हुआ है, और दो एक लड़के और हैं, और मेरे एक और दोस्त है संजीव भदौरिया, उसका पीएससी में चयन हुआ है, यहाँ से प्री निकाला है उसने, मतलब अभी मेंस, हाँ मेंस तैयारी कर रहा है, और भी और एक रवि नाम है एक लड़के का, तो उसने भी एसएससी के पीछे लिए, कस्टम में उसका सिलेक्शन हुआ है, मतलब यहाँ पे लगातार अरे बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में कि पीछे हो। अच्छा, आप क्या देखते हैं रोजगार के क्षेत्र में, आपको क्या लगता है कि यहाँ से लोग बाग जितनी मात्रा में जितनी संख्या में लोग पढ़ के निकल रहे हैं उनको उतना रोजगार मिल पा रहा है? काफ़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ से निकल रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए उसमें आगे बढ़ रहे हैं, और भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पूरी एमपी में, और अगली बार भाजपा की सरकार जरूर आएगी 100%, और यहाँ से पौड़ी से आप बताइए शिक्षा की वास्तविक स्थिति क्या है और लोगों को रोजगार कितने मिल पा रहे हैं? हमारे राहुल जी ने बताया कि यहाँ पर आईडीआई कॉलेज बन वो मॉडल स्कूल बन रहे हैं, अब बन नहीं रहे, बन चुके हैं पहले से ही, और हमारी जो कॉलेज है उसमें बिल्कुल भी सफाई नहीं है, ना अनुसाधन कुछ भी, उसमें टीचर भी रोज नहीं आते, उसमें मतलब इतनी मतलब कॉलेज ग्राउंड में इतना वो गंदगी फैली हुई है, भले कांग्रेस की पार्टी हो, भले बीजेपी की पार्टी हो, कोई भी पार्टी आए लेकिन वो उसकी सफाई ना कुछ भी मतलब ध्यान नहीं दे रहे, मतलब जब सफाई नहीं हो रही तो पढ़ाई क्या होगी, ये आपका कहना है? आप क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में, क्या स्थिति है स्कूलों की कॉलेजों की पढ़ाई की? स्कूलों की बढ़िया स्थिति है, साफ सफाई होती है और सब देखभाल हो रही है स्कूलों में, ऐसी कोई बात नहीं है, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। अरविंद जी आप क्या शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, शिक्षा एक समस्या तो है और उसमें खासतौर से जो शिक्षा की समस्या है वो है कि शिक्षक नियुक्त होने के बावजूद विद्यालयों में पढ़ाने नहीं आते हैं, भले यहाँ सीएम राइज स्कूल खुल गया लेकिन उसमें जितनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है उस मात्रा में उसमें छात्र दिखाई नहीं देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, जैसा आपने ये इस डिबेट की शुरुआत में जो कहा था कि पौड़ी आज से सालों साल पहले पौड़ी का जो विकास था या पौड़ी में शिक्षा के मामले में जिस जगह आप खड़े हुए आदर्श विद्यालय उसका एक पूरे भारतवर्ष में नाम था। यहाँ का जो कॉलेज है उसका पूरे भारतवर्ष में नाम था, यहाँ से कई बड़े बड़े लोग पढ़े, यहाँ कागज़ की फैक्ट्री थी, यहाँ रोजगार के क्षेत्र में माचिस बनती थी, यहाँ कपड़े बनते थे, लेकिन यहाँ से रोजगार और शिक्षा पूरी तरह से गायब हो चुकी है, मैं इससे सहमत हूँ। पिछले 20 से 25 साल से मैं यहाँ काम देख रहा हूँ, यहाँ पत्रकारिता कर रहा हूँ और स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो शिक्षा के मामले में अभी वर्तमान में स्थिति यहाँ नाजुक दौर में है, और खासकर रोजगार के मामले में, रोजगार की कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ या कोई फैक्ट्री या यहाँ जो यहाँ किसान का उत्पाद जो है, चाहे तो टमाटर हो चाहे कद्दू हो या प्याज हो, यहाँ लोग रोड़ों पर किसान उस चीज़ को फेंकता है, और किसान इस समय सोयाबीन का भी हालत ख़राब है, किसान की कुल मिला के यहाँ दुर्दशा बहुत ज़्यादा है। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की स्थिति ये है, भाजपा ने इतना विकास कार्य किया है कि अभी तक शिक्षा के बारे में जितना शिक्षा की पहले जो स्थिति थी बहुत ख़राब थी, वास्तव में पहले ख़राब थी, लेकिन मॉडल स्कूल जब बन के तैयार हो गए, या फिर आईटीआई बन के तैयार हो गए, कईयों कॉलेज बन के तैयार हो गए, और शिक्षा की स्थिति में इस समय की स्थिति ये है कि काफ़ी 90% सुधार आ चुका है,
पहले जो था, लेकिन किसान किसानों की सरकार ये अपने को बोलती है, मध्य प्रदेश के किसान सबसे ज़्यादा फसल का उत्पादन कर रहे हैं, फिर भी पौरी क्षेत्र के किसानों को अपनी फसल सड़कों पर फेंकनी पड़ रही है, उसके वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं, इसका क्या कारण है? नहीं, क्यों नहीं मिल रहे, दाम मिल रहे हैं बढ़िया किसानों को, किसानों की बढ़िया पैदावार हो रही है किसानों के लिए। अभी 17 तारीख को 2000 रुपये पीएम पंच को डलते हैं, अभी डाले हैं उन्होंने, नहीं क्यों नहीं होने वाला, 2000 राशि है, उसका नाम ही राहत राशि है, तो किसान 2000 रुपये अभी 17 तारीख में पीएम मोदी जी ने डाले हैं। उसके अलावा किसानों के लिए कितना नहीं किया, बहुत विकास कार्य किया किसानों के लिए, अब इससे और क्या करे सरकार। चलिए चलिए, ठीक ठीक ठीक, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अभी मेरे बड़े भाई से आप बात कर रहे थे, ये किसान मोर्चे के भाजपा के अध्यक्ष जी, किसानों की इतनी बात करने वाली भाजपा, अभी हाल ही में इतनी मूसलाधार बारिश हुई और लोगों की फसलें सड़ गईं, नष्ट हो गईं, लेकिन एक भाजपा का मंत्री हो, उनके कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो, सिर्फ कानाफूसी में लगे हुए हैं, जनता के पास ना किसानों के पास कोई नहीं जा रहा है, ना उसका सर्वे कराया है, और हम तो कह रहे हैं उनको तत्काल मुआवजा राशि देना, और वो जो लूट कसूट भाजपा चारों ओर से कर रही है, पैसे की वसूली कर रही है, क्या वो सरकार बनाने में खर्च करती है, विधायकों को खरीदने में करती है? उसका उपयोग सिर्फ किसानों को मिलना चाहिए। आज किसानों की जो फसलें नष्ट हुई हैं उनको तत्काल 5000 रुपए बीघा हम लोग कहते हैं उनको मुआवजा देना चाहिए। और ये सहकारी बैंक में जो घोटाले हुए हैं, लोगों का पैसा फंसा हुआ है करोड़ों रुपए, उसका क्या है? हर जगह धांधली, हर जगह एक ही परिवार को सारे मुआवजे चाहिए, हर जगह काम चाहिए। हमने तो सपनों में देख लिया कि पौरी में 8-8 लाइन बन गई हैं, 6 लाइन बन गई हैं, क्या है ये फालतू के ढकोसले करना बंद करे भाजपा, और जो काम के मुद्दे हैं, जो जनता से आपने वादे किए हैं उसको मूल रूप लेके आए। जो PWD मंत्री हैं, काय के मंत्री हैं, रोड के मंत्री हैं, वो अपनी सड़कों के गड्ढे तो भर नहीं पाए पौरी के, अपने घर के आगे के गड्ढे नहीं भर पाए, वो मध्य प्रदेश के गड्ढे क्या भरेंगे? मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ। जेमनी जी, आप बताइए यहाँ की सड़कों की क्या स्थिति है, जबकि वो कहते हैं कि जो पौरी से मोइना सड़क जा रही है ये बड़ी अच्छी बन गई है और भाजपा ने बनवाई है, क्या बोलना? आप शुपरी से और पौरी आए होंगे, आपने रास्ते में देखा होगा रोड की हालत, सब इतनी घटिया हालत है रोड की कि पता नहीं क्या इनको क्या काम नहीं दे रहे हैं शिवराज जी, क्या है, बिल्कुल गड्ढे पड़े रहे रोड पे, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि गाड़ियों की हालत बिगड़ रही है। और साहब अभी पौरी विधानसभा के मुद्दे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ जनता की जान पे आ गई है, इतने मुद्दे चल रहे हैं। पौरी विधानसभा क्षेत्र का एक झिरी का मुद्दा था, एक धाकड़ परिवार के व्यक्ति को थाना प्रभारी, पौरी थाना प्रभारी द्वारा जान से मार दिया गया। अच्छा। उसकी था, हाँ जी, उसकी थाने में कंप्लेंट नहीं हुई थी, जैसे तैसे हम लोगों ने उसको कोर्ट तक पहुंचाया, केस को अभी उसका कोर्ट में चल रहा है, जांच उसकी बेराड़ थाने में चल रही है। और अभी एक लेटेस्ट मुद्दा है 6 दिन पुराना, वो अभी जैसे उसको दबा दिया है उस मुद्दे को, एक बच्ची के साथ रेप हुआ है यहाँ पे, उसको मुद्दा अभी दबा दिया है इन लोगों ने, लेकिन हम उसको खोलेंगे, बहुत जल्दी खोलेंगे उस मुद्दे को, और पूरे प्रदेश के सामने उसको लेके आएंगे कि शिवराज जी और शिवराज जी के मंत्री क्या हालत पौरी विधानसभा की कर रखी है इन लोगों ने। तो क्या बेमुद्दा कोई मंत्री जी इसके परिवार से या उनके किसी निकटतम व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो आप इस तरह से कह रहे हैं? अब जुड़ा ही होगा तभी हम आप लोगों से बोल रहे हैं। अच्छा, तो कैसे विधानसभा में उठवाएंगे, क्या करेंगे? विधानसभा में भी उठवाएंगे, पहले तो उस परिवार को हम आप लोगों के सामने लेके आएंगे मीडिया के। अभी उस परिवार को थोड़ा सा दबा दिया है इन लोगों ने, प्रेशर दे दिया उस परिवार के ऊपर, लेकिन हम, हमारी बात चल रही है, हम उसको लेके आएंगे आप लोगों के सामने, और पूरे हम भोपाल में शिवराज जी के बंगले के बाहर ही उस परिवार को बिठाएंगे ले जाके। देखिएगा आप कुछ समय बाद, बहुत बुरा हाल कर दिया है इन लोगों ने पौरी विधानसभा का। चलिए देखिए, जो प्रशासनिक जो अत्याचार है, चाहे वो पुलिस का हो या रेवेन्यू का हो, उसमें गड़बड़ियां तो लगातार देखने में आ रही हैं। इस सिलसिले में अरविंद जी, आप एक सजग पत्रकार भी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति है वास्तव में प्रशासनिक स्थिति, भ्रष्टाचार की स्थिति और पुलिस का जो पक्षपातपूर्ण रवैया पूरे ज़िले में देखने आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्थानीय स्तर पर अगर केंद्रीय अगर कोई मंत्री बनता है तो स्वाभाविक है कि एक पक्ष कहीं ना कहीं उस विरोध करता ही है, और दूसरा एक मजबूत पक्ष सामने आता है। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इसका प्रतिफल आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक ताकतवर ग्रुप जब बनता है तो कहीं कोई ना कोई छोटी छोटी समस्याएं तो उत्पन्न होती है। तो इनका भाजपा को भविष्य में जो 2023 में चुनाव होने जा रहा है, हाँ, उसका कि अभी एक साल भी नहीं रह गया, उसमें लाभ होगा या नुकसान होगा? नहीं, इससे नुकसान होगा, क्योंकि पार्टी को इसलिए नुकसान होगा कि
एक आदमी के नाम से कई लोग अपना अपना काम उल्लू सीधा करते हैं, तो उसका नुकसान तो आम जनता को उठाना पड़ेगा और पार्टी को भी उठाना पड़ेगा। अभी जैसे सहकारी घोटाला, यहाँ 125 करोड़ का घोटाला हुआ है। हमारे यहाँ के बेचारे छोटे छोटे जो आम किसान हैं वो परेशान हैं, अपनी रकम जिन्होंने जीवन दांव पर लगा के अपनी रकम की है, शादी ब्याह या कोई कार्यक्रम है, उनके पैसे 1000 रुपये भी उनको एक बार नहीं मिल रहे, 10 लाख जमा 1000 रुपये देंगे तो क्या होगा, कैसे काम चलेगा। चलिए, तो हमने बात की अभी पौरी विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं, जो भाजपा और कांग्रेस जो यहाँ के प्रमुख दल हैं जिनमें की लड़ाई सीधी होती है, उनके जो कार्यकर्ता हैं और जो पदाधिकारी हैं उनसे बात की। सब कुल मिला के निष्कर्ष है निकलता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा सत्तारूढ़ लोग हैं उनके बारे में मानसिकता मतदाता की बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसे में यदि कुछ वो सुधार अपना अवलोकन करते हुए नहीं करते हैं तो भविष्य में पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैं प्रमोद भार्गव, पौरी विधानसभा क्षेत्र से MP तक के लिए।